वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत सुपर स्पेशल है क्योंकि ये हमारी गाड़ी है जिसके मतलब लगा लो कि स्कूल टाइम जो हमारा कंप्लीट हो गया था उसके बाद विशाल भाई इस गाड़ी को लेके आते थे। ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो और ये जो ऑल्टो है ये भाई इसके बहुत सारे किस्से हैं जो कि विशाल भाई आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मतलब लगा लो कि ऑलमोस्ट ये गाड़ी दो गाड़ी ये फ्लिप कर चुकी है और उसके बाद भी ये सर्वाइव कर गई, जिसमें भाई की गलती ऑफकोर्स ही बात नहीं थी, लेकिन स्टिल जो भी हुआ वो हो गया था। आप लोगों को बताता हूँ, ये गाड़ी है 2007 मैन्युफैक्चरिंग, 2008 रजिस्टर्ड गाड़ी मारुति ऑल्टो। आज के टाइम पे आप लोगों को मिलता है मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, तो इसका भी 800 सीसी का इंजन है भाई, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या रिस्पॉन्स है, टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई चलाने में गाड़ी कैसी है। ये है आप लोगों की मारुति ऑल्टो जो कि अभी बहुत जबरदस्त वाली कंडीशन में मेंटेन जो है वो कर रखी है। तो विशाल एक चीज बता सबसे पहले, जब हम मतलब कॉलेज में मतलब गए थे बिल्कुल, तो उस टाइम पे हम इस गाड़ी में बहुत घूमा करते थे। बहुत घूमे यार इस गाड़ी में, तो है इस गाड़ी में भाई मतलब लगा लो। और इसके किलोमीटर्स कितने हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 140 हो गए, मतलब 140,000 किलोमीटर चल चुकी है, उससे ऊपर ही हो गया वो शायद। ओ भाई साहब, तो भाई 140,000 विशाल भाई जो इसको क्लेम कर रहे हैं। गाड़ी रीपेंट भी हुई है, है ना, ऊपर से रीपेंटेड है और आगे से कुछ जगह से। और आप लोगों को जो स्टोरी बता रहा था फ्लिप वाली वो जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोग फ्रंट का इसका ओवरलुक चेक करना चाहो भाई, आप लोगों के नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स, बीच में आप लोगों के ग्रिल और ये जो है जबरदस्त वाला ये पूरा रिस्पॉन्स है। और द्वारका में गाड़ी बहुत फेमस है, DL9CS2190। तो कभी भी आपको गाड़ी दिखे तो भाई विशाल भैया भी हो सकते हो और कोई भी गाड़ी चला रहा होगा, तो प्लीज समझ जाना उस चीज को। और इसी के साथ में भाई इस गाड़ी के अंदर जो सबसे स्पेशल चीज मेरे को लगी थी ना, इस गाड़ी के जो वाइपर्स है भाई वो बहुत बड़े हैं भाई, क्या रीजन है इसका? विंडशील्ड थोड़ी पीछे की साइड है ना इसकी, अच्छा इसलिए वाइपर ज्यादा बड़े। तो अगर आप लोग खुद ये चीज ऑब्जर्व कर सकोगे तो देख लो भाई बहुत बड़े वाइपर्स है। तो विशाल भाई ने ऐसा बताया कि जो विंडशील्ड वाला पूरा क्लियरिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है। और एक चीज था, इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी रही है अभी तक? ड्राइव क्वालिटी भाई वैसी है अभी भी, क्योंकि इसका इंजन अभी फिलहाल रिसेंटली मैंने ओवरहॉल करवाया था। अच्छा, इंजन ओवरहॉल कराया था? ओवरहॉल कराया था। कितने किलोमीटर बाद कराया था? 1 लाख किलोमीटर के बाद। 1 लाख किलोमीटर के बाद करवाया था और उसके बाद से 40,000 चल चुकी है। और सही चल रही है यार, बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे पहले चलती थी। अरे भाई जबरदस्त जबरदस्त। और अगर आप लोग गाड़ी की साइड से बॉडी लाइन देखना चाहो तो एक बार इसकी बॉडी लाइन भी चेकआउट कर लो। और ये मतलब ये ऑल्टो ऐसी है कि इसको मतलब हर किसी के घर पे ये होगी गाड़ी, है कभी ना कभी किसी ने चलाई होगी या ली होगी, या क्योंकि ऑल्टो सबसे हैपनिंग, जैसे मारुति 800 थी, ऑल्टो है और वैगनार है, ये गाड़ियाँ बहुत कॉमन है। इवन मेरे पास भी वैगनार थी, तो इसके अंदर का आपको जरूर रिस्पॉन्स चेकआउट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग पीछे की तरफ जो है ओवरव्यू एक बार चेकआउट कर लो। और भाई ये देख लो, ये मतलब लोगों की इतनी फेवरेट होती थी, अगर आप शिमला साइड चले जाओगे, हिमाचल में किसी भी जगह चले जाओगे, तो वहाँ पर लोगों की ऑल टाइम फेवरेट जेन गाड़ी और एक जो है आपकी ऑल्टो रहती है। और पहाड़ी इलाकों में आप लोगों को गाड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ भी भाई मतलब लगा लो, किसी भी तरीके का कोई भी मॉड इसमें किया गया? नहीं नहीं कुछ नहीं किया यार मैंने भाई, सिस्टम भी नहीं लगवाया इसमें, सिस्टम तक नहीं है इसके अंदर। सिस्टम था जब हम पहले घूमते थे, हाँ जब हम लोग घुमा करते थे तब इसके अंदर सिस्टम हुआ करता था, सब हटा दिया इसमें, काले शीशे वगैरह सब करके छोड़ा। भाई ने भी काले शीशे कराए अपने टाइम पे, लेकिन भाई हम वो रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो उस टाइम पे बस शौक के लिए कराया था, वो भाई ने हटा दिया। विशाल एक बार जरा स्टोरी शेयर कर भाई, क्या हुआ था, इस तरफ आ जा थोड़ा। और लोगों को जरा, भाई ना एक दिन गाड़ी लेके जा रहा था, ठीक है, और हाईवे पे था रोहिणी के आसपास कहीं पे, ठीक है, तो पीछे से कोई ट्रक वाला आया और उसने पीछे से मार दी गाड़ी, उत्तरी स्पीड से आया और फिर ये गाड़ी पलट गई और भाई को चोट लगी थी। उसके साथ तीन लोग, वो और उसको मिला के तीन लोग थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उनमें, उनको किसी को कुछ नहीं लगा, लेकिन गाड़ी बहुत डैमेज हो गई थी, बहुत डैमेज हो गई थी। फिर उसको टो करके ले गया, फिर उसको रिपेयर करवाया, और उसके बाद भी मतलब मारुति की गाड़ी एक तो सस्ती टिकाऊ में रिपेयर हो जाती है, है ना भाई। तो भाई एक बार जरा गाड़ी के अंदर घुसा जाए, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग तो नहीं है ना? नहीं, तो भाई ये अभी रॉ कंडीशन में आप लोगों को गाड़ी जो है देखने, हाँ बिल्कुल जैसे स्टॉक कंडीशन में गाड़ी होती है। तो ये विशाल भाई के फोन है, होल्डर लगा रखा है, ये भाई ने एक होल्डर लगवाया उधर जिससे पानी की बॉटल रखी जाए, ठीक है। तो एक बार जरा इसका आप लोग स्टेयरिंग रिस्पॉन्स चेकआउट कर लो, अंदर से भी आप लोगों को पूरा ओवरव्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, साइड में भी देख लो। और भाई अब जितनी सफाई हो सकती है उतनी सफाई हो रखी है, ठीक है। बीच में आप लोग देख लो, एसी वाला कंसोल, ग्लो बॉक्स, सब कुछ जो है वो पूरा वैसा ही है, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ। पीछे से भी आप लोगों को रिस्पॉन्स चेकआउट करा देता हूँ, ठीक है। पीछे का भी एक बार आप लोगों को रिस्पॉन्स चेकआउट कराता हूँ। एक बार देखो भाई, मेरा लैपटॉप और कैमरे का बैग पड़ा है और पीछे जो है भाई के प्रोटीन वोटीन और सब चीज़ें ये जो है संभाल के, भाई इसके अंदर वो साफ करने का क्यों रखा हुआ है तुमने, पोछे वाला जो वो होता है? ये गाड़ी साफ करने का किसका है? भाई बोल रहे जहाँ पर गंदगी दिखे वहाँ साफ कर दूंगा। सही है भाई, तो आप लोगों को ये चीज़ सीखा। एक बार जरा इंजन का भी थोड़ा आगे रिस्पॉन्स चेकआउट करा दे लोगों को कि इंजन कैसा देखने को मिलता है। तो भाई ने जैसा आप लोगों को बताया, इंजन एक बार ओवरऑल हुआ है,
ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं चीज़। तो भाई देख लो, बैटरी ब्रांड न्यू है जो कि देख के पता चल ही रहा है। और भाई बाकी मतलब यार फिर भी इंजन बे तो साफ है। मेरी तो जिप्सी का इससे बुरी हालत हो रखी है, मिट्टी उट्टी बहुत बुरी हालत में मेरा जिप्सी का। तो भाई तेरा क्लीन है फिर भी यार। तो भाई ये है कुछ गाड़ी का रिस्पॉन्स, टायर्स वायर्स जो है भाई वो चेंज हुआ है क्या हुआ? चेंज तो बहुत बार हुआ है, टायर्स तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन मतलब ये है कि तूने ये सोचा होता इसको बेचना नहीं है? हाँ यार, मतलब चलाता रहता कोई ना कोई इधर आसपास जाने के लिए तो सही रहती है गाड़ी। हाँ मतलब ये कोई दूर के लिए नहीं है, मतलब इसमें आपका सोच रहे हो कि हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं या मनाली जा रहे हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल था। तो अब सीधे मैं जो हूँ गोप्रो लगा रहा हूँ सर पे, ड्राइव करता हूँ और आप लोगों को बताऊंगा क्या रिस्पॉन्स है। सो गाइज टाइम हो चुका है गाड़ी को चलाने का। सबसे पहले जरा सीट बेल्ट पहन लो विशाल भैया। ठीक है भाई, थोड़ा सा मास्क मैंने भी खोला हुआ है क्योंकि हम गाड़ी में सेम बंदे ही है। और शीशे खोलने पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी का जो एसी है वो एसी अगर आप बटन दबाओगे तो हीटर ऑन हो जा रहा है। उसका क्या सीन है यार? एसी ठीक नहीं करवाया, वो चलाते कम है ना यार गाड़ी। ये तो मतलब आसपास कुछ सामान लेने के लिए होता है। ठीक है भाई, सो हेयर वी गो। इसका स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाएगा भाई? हाँ बिल्कुल, गाड़ी भी चलेगी। ये ऐसे सीधा ऐसी है ना? ओ भाई साहब क्रेजी भाई, भाई पिकअप तो तगड़ी है। तो भाई थोड़ी सी अगर आप लोगों को बाहर की आवाज आ रही हो तो प्लीज बेयर कर लेना, यहाँ पर गाड़ी की सफाई चल रही है। बढ़िया तरीके से गाड़ी साफ कर रहे थे अपनी। और भाई मतलब यार विशाल फील है भाई इस गाड़ी के अंदर तो यार वैसी है ना जैसे पहले चलती। हाँ जैसे पहले चलती थी वैसी है भाई, मतलब स्मूथ है यार, बिल्कुल स्मूथली चल रही है गाड़ी। और इसमें एक चीज और बता, तूने एक बार वो पीले वाले बल्ब भी डलवाए थे? वो अभी भी है, वो अभी भी डले हुए पीले बल्ब, मतलब वही येलो वाले? बिल्कुल बिल्कुल येलो वाले, 90-100 वाले नहीं, 100-130 वाले। हाँ वही वाले। अरे भाई जबरदस्त है यार गाड़ी, तो भाई मजेदार है यार ये चलाने में। और हॉर्न कौन सा लगा हुआ है? हॉर्न स्कोडा का। स्कोडा का हॉर्न है। और ब्रेकिंग बहुत परफेक्ट लग रही है भाई। यार मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी विशाल, जो नई वाली मारुति 800 आती है उसके जो ये साइड वाले पिलर्स है यार, ये उन्होंने बहुत पास कर दिया, उसकी वजह से बैठने में बढ़िया डिस्कम्फर्ट होती है। लेकिन उन्होंने डैशबोर्ड भी तो पीछे कर रखा है। पता नहीं भाई, मैं वरुण की गाड़ी में बैठा था, मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगा उसमें ना, मतलब कि जैसे बहुत टाइट टाइट सा है, मतलब उसमें ऐसा हो रहा है कि मतलब केवल तीन ही लोग बैठ सकते सही से। पैक कर दिया गाड़ी है इसलिए वैसे। नहीं भाई बढ़िया है यार, मतलब अब हम लोग यू टर्न लेने वाले हैं बढ़िया तरीके से। भाई अलग ही, मतलब अलग ही फील आ रही है। कितनी तक भाग जाती है टॉप है? कितनी टॉप भगाई है? तब तो पहले तो बहुत भगाई हुई है, 120 तक भी लेकर गया था। 120 तक भी। और भाई इस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया कभी, ये बात है। और भाई ने बोला कि इसके पेट्रोल का ये जो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो इसमें ई के ऊपर आने वाला है। तो हम लोग विशाल ने बोला इसके भरोसे कभी नहीं रहना क्योंकि ये कभी भी खत्म हो सकता है। भाई आप देख रहे हो मैं फुल पावर जो है कटिंग वटिंग करते हुए चला रहा हूँ, लेकिन भाई बढ़िया चल रही है यार गाड़ी। एक नंबर भाई, मजेदार है भाई। और कुछ स्टोरी बता दे विशाल इसकी, कोई बढ़िया सी स्टोरी। तो ये थी कि एक बार भाई मैं लेके जा रहा था, इसके टायर चेंज करवाने थे पर मेरे को याद नहीं था। अच्छा, तो क्या हुआ ऐसी किसी कट पे, स्टीप कट था और मैं चला ही रहा था और टायर फट गया और मैं डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। क्या बात कर रहा है? तब भी इसको कुछ नहीं हुआ, बस टायर फटा, फिर मैंने उतारी उसको लोगों की हेल्प लेके, फिर टायर चेंज करा। ये कब की बात है, तब मैं कहाँ था? ये अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले की बात है। तो हम लोग कहाँ थे उस टाइम पे? तू देखो बताया था मैंने तो कुछ आया उस दिन, पता नहीं भाई यार खतरनाक बात बता दी विशाल ने। सो अभी हम लोग ये जिनवानी स्कूल है, जिनवानी है ना, इसके आसपास है। यहाँ पर थोड़ा गाड़ी चलाने का ठीक है भाई, फील अच्छी आती है भाई। लेकिन मतलब अलाइनमेंट सब कुछ ओके है गाड़ी की? अभी रिसेंटली चेंज करवाया है इसके टायर, वही उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद ही। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद चेंज करा देते हैं। तो भाई अगर जिसके पास भी ऑल्टो है स्पेशली 2008-09-07 तो भाई थम्सअप जरूर करके जाना क्योंकि भाई प्राउड हुआ है। और एक चीज और बता विशाल, अगर अपनी एक्सेंट और इसमें से चूज करना पड़े तो कौन सी वाली ज्यादा स्मूथ चलती है? ये ज्यादा स्मूथ चलती है, ये ज्यादा स्मूथ चलती है और इसकी लाइफ ज्यादा है मेरी ओर से। एक्सेंट में काम करवाना है काफी। अच्छा, उसका मतलब क्या कहते हैं इंजन का ओवरऑल? अच्छा अच्छा, अलाइनमेंट का काम रह रहा है। अलाइनमेंट का बहुत काम है। अच्छा परफेक्ट है भाई। तो भाई हम लोगों ने सर में ऐसे करके लगाया होता ना तो लोग सोचते कि भगवान के बच्चा है ये, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है ऊपर से।
लेकिन भाई आप खुद देख रहे होंगे गाइस, देखो मैं कितने कंफर्टेबली गाड़ी चला पा रहा हूँ। और देखो हर बार कोई दूसरी गाड़ी चलाने में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन भाई मतलब मारुति की आप कोई सी भी गाड़ी चला लो उठा के। एंड इवन सबसे बड़ा रीजन जो ये है कि अभी तक मैं अपनी स्विफ्ट नहीं बेच रहा हूँ, उसका क्या रीजन है भाई पहले ये बताओ। भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई उसी ने हम लोगों को बनाया है, और भाई वो हम लोग मतलब आप लोग मेरे को उससे पहचानते हो तो भाई बढ़िया। और सस्पेंशन भी ओके यार, सब ठीक है भाई, खर्चा कराया हुआ है इसके अंदर पूरा बढ़िया वाला। और मेरे को जरूर बताना आपके क्या व्यूज है, कभी भाई की गाड़ी देखने को मिले तो जरूर बताना, ठीक है? ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप लोगों के लेके आते रहूँ। सो अभी पर्सनली मैं आप लोगों को एक ओपिनियन देना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी नई गाड़ी लेने के आप प्लान कर रहा है तो कोशिश करो कि भाई पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लो, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, और उसके बाद ही आप लोग जो अपनी नई गाड़ी को लेने का प्लान करो। बाकी आज की जो गाड़ी आप लोगों ने देखी भाई, ये थी अपनी फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट ऑल्टो। और इस टाइम पे अगर आप लोग ऑल्टो खरीदते हो तो थोड़ा सा बस जो उसका ये होता है ना हाथ वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट खत्म हो चुका, मतलब उसमें आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब इधर से तो आपका टकराता रहेगा बार बार। और जिन जिनको बात समझ आ गई हो मेरे को जरूर नीचे ही बताना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में गाइस, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके मेरे को जो है थोड़ा सा पंप अप कर देना। इसी के साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर स्क्वाड। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका नाम है www.musafircar.com, और उसमें जाओ और आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ब्लॉग्स है, वहाँ पर ब्लॉग्स है, ठीक है? तो एंजॉय करना। सो विद दिस साइड गाइस करते हैं आज के इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड